प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है कि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अपने फाइनल ईयर्स और 2014 से 2017 बैच में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के होने वाले एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है। इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक जो कि आज से लगभग 3 बजे से एक्टिवेट हो चुका है और उस पर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन बच्चों से कुछ गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से उनको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम्स है। और आज हम इन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि किन गलतियों को ना करें बच्चे, ताकि उनको रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो मैं संदीप कुंडू, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसाइटी उटावड़ से इन सभी बातों पर डिस्कस करूँगा और आप सभी को बताऊँगा कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह हमें करना है ताकि हमारे रजिस्ट्रेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है जिसमें ये बताया हुआ है कि हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक आज 11-12 तारीख से लगभग 3 बजे से शुरू हुआ है। इसमें नोटिफिकेशन में लगभग 11:30 का टाइम दिया गया है, लेकिन वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 3 बजे के बाद शुरू हुआ था। और ये रजिस्ट्रेशन लिंक 15 तारीख तक एक्टिवेट रहेगा, इसलिए आपको 15 तारीख से पहले अपने आप को रजिस्टर कराना यहाँ पे ज़रूरी होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा HSBT ऑनलाइन एग्ज़ाम सेप्टेम्बर 2020। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए बच्चों, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा इंटरफेस। और बच्चे यहीं पे सबसे पहली गलती करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करती हैं कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन बच्चों, जो ये है, ये लॉगिन डिटेल है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना, लॉगिन कब करते हैं, जब आप अपने आप को रजिस्टर करा चुके होते हो। लेकिन अभी तक आपने इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको ध्यान रखना, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। देखिए, इस तरह से आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपको इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम मीन्स अपना नाम एंटर करना है, फिर उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद आता नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक उन्होंने टेबल दी हुई है, उस टेबल के नीचे से ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ के लिए बात कर रहे हैं तो हमें इंटर करना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इंड्री का भी कैंप ऑफिस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ ही है, तो आपको सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़। इंड्री वालों के लिए वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमारा कैंप ऑफिस है। इसके बाद आपको ब्रांच है, ब्रांच फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, नीचे दिए ऑप्शंस में से आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। हम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी मैकेनिकल। सिविल हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सिविल। इस तरह से आप इस फॉर्म में आगे बढ़ते जब जाओगे तो आपको इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आप पे को फोकस करनी है, जिस बात पर कि आपको अपनी ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये दो ऐसे आपके टूल्स हैं, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जिन पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि जो इतने भी आपके OTP और लिंक आएंगे वो इन्हीं फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी पे आएंगे। आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ही केयरफुली के साथ इसमें एंटर करें। इसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा जो ये शो करने के लिए होता है कि यू आर नॉट ए रोबोट। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट, आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा क्रिएट अकाउंट स्क्वेयर ब्रैकेट, जो एक रेक्टेंगल बॉक्स सा नीचे बना हुआ है उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो प्यारे बच्चे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ भी आपको बड़ी ही केयरफुली से देखना है। और यहाँ पे आके बच्चों से क्या गलती होती है,
इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बेटे इसके लिए एक नेसेसरी जरूर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कि आपके या तो फ़ोन से इसको अप्लाई करिए या लैपटॉप से, क्योंकि जो आप डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वेबकैम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका लाइव फ़ोटो डिटेक्ट करेगा। आपको सामने चार फिगर दिखाई दे रहे होंगे, तो सबसे पहले पे जहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके, और आपको इस चीज़ फर्स्ट क्लिक पे ये ध्यान रखना है कि आपका फेस बिल्कुल इसके सामने हो, सेकंड पे भी आपका जो फेस है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, थर्ड वाले आप एक बार लेफ्ट साइड फेस को अपनी आगे की तरफ करोगे और एक बार नेक्स्ट टाइम में राइट साइड से। तो इस तरह के से चार आपके फ़ोटो स्नैप लेगा और उसके बाद जो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा सबमिट का आ जाएगा और आपको लिखा दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको अपने यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, इसके बाद का जो आपका स्टेप है देखिए, आपने जैसे ही अपने फ़ोटो इंटर किए तो आपको सामने दिखाई देना दे रहा होगा कि इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म चला जाता है कॉलेज के पास। कॉलेज आपके फ़ोन नंबर, फ़ोटो और आपके रोल नंबर को वेरीफाई करेगा। जैसे ही आपको फ़ोन नंबर को और आपके रोल नंबर को, फ़ोटो को कॉलेज वेरीफाई करता है तो आपके सामने मेल पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपको एक कोड मिलेगा आपके फ़ोन पे, वो कोड उसमें इंटर करना है और उसके बाद आप एग्ज़ाम प्रोसेस को आगे कर सकती हैं। सबसे पहले आपको इतना ही अभी तक करना है कि अपने आपका ये फॉर्म अप्लाई करना है और वेरिफिकेशन का वेट करना है, तब तक आपका कॉलेज वेरीफाई ना करे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो आपको इसमें ध्यान देनी है वो ये है कि किसी भी स्टेप से आपको बैक नहीं जाना है, किसी भी स्टेप से आपको बैक नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बैक जाते हो तो आपका डाटा वो सेव हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें किसी भी स्टेप से बैक ना जाएं। आप जब फॉर्म फिल करें तो आपके लैपटॉप से करें या फ़ोन से करें, अगर डेस्कटॉप से कर रहे हैं कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसमें वेबकैम होना ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन इस साइट पे कराना है। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों को फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर ध्यान में रखेंगे और अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।